नमस्कार, मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इसके काफ़ी टॉपिक हमने कर लिए थे। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कार्तीय निर्देश तंत्र कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेली निर्देश तंत्र या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमें पढ़ना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या गोलीय निर्देश तंत्र। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपने पास, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गोलीय निर्देश तंत्र, या हम डेफिनेशन कहें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जिस तरीके से कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी कण के निर्देशांक x, y और z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, बेली निर्देश तंत्र में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो फाई और z द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, उसी प्रकार गोलीय निर्देश तंत्र में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी कण के निर्देशांक r, थीटा और फाई द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ना, तीन तरह के कोऑर्डिनेट आते हैं अपने पास, कौन से? r, थीटा और फाई। ठीक है, अब इन r, थीटा, फाई को हम मेंशन किस तरीके से करें? तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, हम जनरल हम कहें कि ये सपोज इट हमारे पास क्या आ गया, एक स्फेयर आ गया। ठीक है, ये स्फेयर आ गया, ये सेंटर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने तीन तरह की एक्सिस बना दी। ये तीन तरह की एक्सिस आ गई, एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गई और तीसरी कौन सी आ गई, जेड एक्सिस आ गई। ठीक है, ये हमने इसके सरफेस पे कोई पॉइंट ले लिया जिसको हमने डिनोट कर दिया पी से। ठीक है, अब यहाँ हमने कहा कि भाई ये हमने एक सर्कुलर डिस्क मान ली इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से हमने एक सर्कुलर डिस्क हमने मान ली। यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं आर, थीटा और फाई। ठीक है, इस पॉइंट की इसके सेंटर से डिस्टेंस हमने कहा कि पॉइंट पी जो है वो ये पॉइंट, जैसे सपोज हमने डिनोट कर दिया, किससे डिनोट किया हमने, पी से डिनोट किया। तो पॉइंट पी है कहाँ है? स्फेयर के सरफेस के ऊपर है। तो पॉइंट पी की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? रेडियस आर के बराबर होगी। ठीक है, अब हम कहें कि ये हमारे पास एक स्फेयर आ गया। अब किसी भी स्फेयर को यदि आप इस जेड एक्सिस, इसके सेंटर से जो एक्सिस अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन निकल रही है, अगर आप इस तरीके से इंटरसेक्ट करोगे तो जो पार्ट बनेगा वो पार्ट कैसा बनेगा अपने पास? एक सर्कुलर पार्ट बनेगा। ठीक है, यदि हम कहें कि अगर ऊपर से आपने एक स्फेयर ले लिया और ऊपर से आपने एक स्लाइस काट दी, तो जो पार्ट बना वो पार्ट अपने पास कैसा बन गया? अपने पास एक सर्कुलर पार्ट बन गया। एक सर्कुलर पार्ट बन गया और इस सर्कुलर पार्ट की सर्कमफेरेंस पर जितने पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट्स को यदि अपन इस पॉइंट से मिला दें, इस ओरिजिन ओ से मिला दें, है ना, ऊपर कैसा बना? सर्कुलर पार्ट बना। और इस सर्कुलर पार्ट के हर पॉइंट को यदि हम सेंटर से मिला दें तो हमारे पास कैसी शेप बनेगी? एक कॉनिकल सेक्शन बनेगा, है ना, एक कोन या एक शंकु का निर्माण होगा। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल बेसिकली डिफाइन करता है किसको? थीटा को। ठीक है, इसी तरीके से आर हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ये तो आ गया हमारे पास एंगल, आ गया कौन सा? ये एंगल तो आ गया अपने पास थीटा आ गया, डिस्टेंस आर आ गया, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम कह दें कितना आ गया? ई आर कैप। ठीक है, अब दूसरी बात, ये इस डायरेक्शन में हम कह रहे हैं यूं अगर आप चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं कि किसको? एंगल फाई, थीटा को मेजर कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस आ गई, ये जो एंगल आ गया हमारे पास कितना आ गया? थीटा आ गया। या इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आ गया ये कितना आ गया? ई थीटा कैप आ गया। अब हम कह रहे हैं कि तीसरी बात, एक हमने कहा कि भाई जेड एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक एंगल और हम डिफाइन कर दें, जिसको हमने कह दिया एंगल आ गया फाई। फाई हम कैसे मेजर कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में वैल्यू आ गई ई फाई कैप। तो तीन बातें हमारे पास आ रही हैं। पहली चीज़ तो आ रही है आर। आर हमने कहा कि स्फेयर की रेडियस को डिनोट करता है। अब स्फेयर है हमारे पास, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पृथ्वी के आकार का भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब रेडियस है, नेगेटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो रेडियस की लिमिट या आर की जो लिमिट होगी, आर की लिमिट हम डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक? जीरो लेस देन आर लेस देन वैल्यू आगे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, कोई भी वैल्यू हमारे पास हम उसकी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि एंगल कोऑर्डिनेट थीटा हमने कहा कि भाई जो सरफेस पे पॉइंट पी था, ये पॉइंट जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल मेंशन कर रहा है किसको? थीटा को। यदि हम कहें
पॉइंट पी अगर इस जेड एक्सिस पे अवेलेबल होता, पॉइंट पी अगर इस जेड एक्सिस पे अवेलेबल होता, थीटा की वैल्यू कितनी होती? जीरो होती। ठीक है, अब जैसे से अपन यूँ बढ़ते चले गए, थीटा का मान बढ़ता चला गया, अब जेड एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग हमें एंगल हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब थीटा की लिमिट कहाँ तक वेरी कर सकती है? जीरो से लेके पाई तक, है ना। तो थीटा जो है, थीटा हम कह दें कि जेड एक्स से गुजरने वाला एक शंक्वाकार, है ना, एक शंक्वाकार पृष्ठ है जो जेड एक्सिस से कितना, है ना, जैसे जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अपने पास? थीटा एंगल बना रहा है, ये इसके लिमिट आ गई, है ना। तीन तरह के पृष्ठ आ गए, एक तो पृष्ठ कौन सा आ गया, एक तो पृष्ठ आ गया आर इक्वल टू सी वन, दूसरा पृष्ठ आ गया थीटा इक्वल टू सी टू, और तीसरा कौन सा आ गया, फाइव इक्वल टू वैल्यू आ गई सी थ्री। तो तीसरी बात करते हैं हम किसके बारे में, फाई के बारे में। ठीक है, फाई यदि हम कहें कि स्फेयर को यदि आप बीच में से इंटरसेक्ट कर दें, स्फेयर लिया यदि हमने बीच में से इंटरसेक्ट कर दिया, तो जो पृष्ठ बना ये पृष्ठ कैसा बना, एक समतल पृष्ठ बना, ये गुजरने वाली एक्सिस कौन सी होगी, जेड एक्सिस होगी, तो आधा समतल इधर हो गया और आधा समतल इधर हो गया। अब यदि कहूँ कि मैं इस पूरे स्फेयर से आधे आधे समतल यदि मैं निकालूँ, तो पहला समतल प्लेन आ गया, तो इस तरीके से हर हाफ प्लेन को यदि मैं कैलकुलेट करूं, तो लिमिट अपने पास कहां से कहां तक वेरी करेंगे, जीरो से लेके टू पाई तक। तो फाई जो है, फाई की जो लिमिट आती है वो वेरी करती हैं जीरो से लेके कहां तक, जीरो लेस देन इक्वल टू फाई लेस देन इक्वल टू वैल्यू आ गई कहां तक, लिमिट आ गई कहां तक, टू पाई तक। तो ये तीन कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, आर थीटा और फाई। ठीक है, आर के लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट, थीटा के लिमिट जीरो से पाई तक, और फाई के लिमिट जीरो से टू पाई तक। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्हीं पॉइंट्स के बीच में जो डायग्राम हमने मेंशन किया है, अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाना चाहें, जैसे हमने कहा कि डायग्राम हमने इस तरीके से मेंशन किया, ये मेंशन किया हमने, ये डायरेक्शन हमने एक्स ले ली, ये डायरेक्शन वाई ले ली, और ये डायरेक्शन कितनी आ गई, जेड आ गई, ये कोई पॉइंट पी आ गया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, आर थीटा और फाई आ गए। अब ये प्रक्षेप जो हमने कहा, ये एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल के ऊपर है, फाई के ऊपर है। ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, आर हो गई। ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कितना बन गया, थीटा बन गया। तो ये जैसे सेंटर हमने ओ मेंशन किया था, उसी तरीके से इस सेंटर को हमने मेंशन कर दिया ओ डैश। तो इस सेंटर को हमने मेंशन कर दिया क्या, इस सेंटर को हमने मेंशन कर दिया ओ डैश से मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो ये वाला एंगल देखो बेसिकली कितना बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री। कैसे बनेगा, हमने कहा कि अगर स्फेयर था, अगर आपने यूं स्लाइस काटी, सर्कुलर पार्ट बना, पॉइंट पी कहाँ आया, उसके सर्कमफेरेंस पे आया, सर्कमफेरेंस पे अगर पॉइंट है उसको यदि आप जेड एक्सिस से मिलाओगे, तो जेड एक्सिस से मिलाओगे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसी ट्राइंगल में यदि अगर मैं वैल्यू निकालूँ, इस वाले ट्राइंगल में यदि हम वैल्यू निकालते हैं कि उसकी कोस ऑफ थीटा की यदि हम वैल्यू निकालें, है ना, कोस ऑफ थीटा, ये जैसे ओ डैश आ गया, पी आ गया, ये पॉइंट ओ आ गया, इस पॉइंट को और हम मेंशन करते हैं, सपोज दैट पी डैश से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू निकालें, तो कोस ऑफ थीटा हमारे पास कितना आ गया, कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, देखो कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना बना, बेस तो बन गया ओ ओ डैश, है ना, ओ ओ डैश आ गया, और हाइपोटेनस कितना आ गया, आर आ गया, दैट मीन्स ओ ओ डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर कोस ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, तो ओ ओ डैश कितना बना, आर कोस ऑफ थीटा, अगर ओ ओ डैश आर कोस थीटा है, तो इसका मतलब पी पी डैश भी कितना आएगा, आर कोस ऑफ थीटा ही आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ओ ओ डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर कोस ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरीके से यदि इसी ट्राइंगल में मैं दूसरी वैल्यू निकालूँ, साइन ऑफ थीटा, है ना, साइन ऑफ थीटा हमारे पास कितना आएगा, साइन ऑफ थीटा आएगा, देखो ओ डैश आ गया पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वैल्यू आ गई आर, दैट मीन्स ओ डैश पी इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, आर आ गया, और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स दूसरी वैल्यू आ गई ओ डैश पी इक्वल टू वैल्यू आ गई आर साइन ऑफ थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम कहें कि ये वाली वैल्यू ओ डैश पी है, ये वैल्यू तो कितनी आ गई आर साइन ऑफ थीटा, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी आर साइन थीटा, ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आ गई अपने पास आर कोस ऑफ थीटा, इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई आर कोस थीटा हो गई। अब कंपोनेंट निकालें ओ पी डैश का, अगर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें, तो एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी ओ पी डैश, और वैल्यू आएगी एक्स डायरेक्शन, जिधर एंगल बन रहा है
जिस एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है उधर कंपोनेंट आ जाएगा कोस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, कोस 90 माइनस फाइव, दैट मीन्स कितना आ गया, साइन आ गया। तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ओ पी डैश और वैल्यू आ गई कोस ऑफ फाइव, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर साइन थीटा और वैल्यू आ गई कोस ऑफ फाई। इसी तरीके से y इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू वैल्यू बन जाएगी r साइन थीटा और वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई, और लास्ट वैल्यू कितनी आ गई, z इक्वल्स टू वैल्यू आ गई r कोस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स r थीटा और फाई के बीच में, है ना। एक्स इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर साइन थीटा कोस फाई, है ना। इसका कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किया इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट कैलकुलेट किया हमने वाई डायरेक्शन में, तो इधर कंपोनेंट आ गया आर साइन थीटा कोस फाई, इधर कंपोनेंट आ गया आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और जेड इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास आई कितनी, आर कोस ऑफ थीटा। अब यदि हम कहें कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम किसी पार्टिकल के या किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिखें, हम कहते हैं कि भाई जैसे पोजीशन वेक्टर मैंने कह दिया आर वेक्टर से डिनोट कर दिया, फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस में वैल्यू आ गई के कैप और जेड आ गया, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर आ गया आर इक्वल्स टू आई कैप, वैल्यू आ गई आर साइन थीटा कोस फाई प्लस में वैल्यू आ गई जे कैप आर साइन थीटा और वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई और प्लस में वैल्यू आ गई के कैप और वैल्यू आ गई आर कोस ऑफ थीटा, ठीक है। बेस वेक्टर कैलकुलेट करें, बी वन, बी वन इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना था, डेल आर अपॉन वैल्यू आ गई डेल आर, ठीक है, या हम कहें कि बेस वेक्टर हम डिफाइन करते हैं डेल आर अपॉन वैल्यू आ गई, क्या कहते हैं, डेल U1, है ना। तो पहला कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना हो गया, डेल आर अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल स्मॉल आर आ गया, ठीक है। दैट मीन्स वैल्यू आ गई आई कैप साइन थीटा कोस फाई प्लस में वैल्यू आ गई जे कैप, वैल्यू आ गई साइन थीटा, वैल्यू आ गई साइन फाई प्लस में वैल्यू आ गई के कैप और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा। और यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लें, है ना, मैग्नीट्यूड लें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एच इक्वल्स टू वैल्यू आएगी मोडो बी वन वैक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बन गया, वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और प्लस वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर वैल्यू आ गई वन बाई टू। दैट मीन्स वैल्यू कितनी आई, इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो साइन को स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना बना, वन बना, और दोबारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो इसका मतलब पहला स्केल फैक्टर जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितना आ गया, एच वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वन के बराबर, ठीक है। यदि दूसरा बेस वैक्टर हम निकालें बी टू वैक्टर इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, डेल आर अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल यू टू, यानी वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल थीटा, ठीक है। थीटा के कोरस्पॉन्डिंग आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो वैल्यू कितनी आएगी, आई कैप आ गया आर आ गया साइन थीटा का कितना बना कोस थीटा, है ना, कोस ऑफ थीटा प्लस में वैल्यू आ गई कोस फाई आ गया प्लस में वैल्यू आ गई अपने जे कैप आ गया और वैल्यू आ गई आर वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा और वैल्यू आ गई साइन ऑफ फाई और प्लस में वैल्यू आ गई डिफरेंशिएट करना है हमें थीटा की कोरस्पॉन्डिंग माइनस के कैप आर और वैल्यू आ गई साइन ऑफ थीटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू कितना बना, स्केल फैक्टर एस टू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई मोड ऑफ बी टू आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करें हम तो ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा को स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और प्लस में वैल्यू आ गई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर वैल्यू आ गई वन बाई टू। यदि हम इसको और सॉल्व करें आगे सॉल्व करें तो दूसरा स्केल जो फैक्टर है दूसरा स्केल फैक्टर आ गया एच टू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई किसके बराबर आएगी आर के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से बी थ्री सदिश कैलकुलेट करें, बी थ्री सदिश आएगा अपने पास डेल आर अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल यू थ्री या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल आर अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल फाई, ठीक है। और यदि हम निकालें थर्ड स्केल फैक्टर निकालें एस थ्री इक्वल्स टू मोड ऑफ कितना बना
B3 सदिश सॉल्व करें तो थर्ड स्केल फैक्टर आएगा हमारे पास कितना, R साइन ऑफ थीटा, सॉल्व कर सकते हैं हम। तो तीन तरह के स्केल फैक्टर आ गए, H1, H2, H3। H1 है उसकी वैल्यू 1, H2 की वैल्यू R, और H3 की वैल्यू कितनी आ गई, R साइन थीटा। तो इसका मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या गोलीय निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक थे हमारे पास, वो निर्देशांक तो कुछ इस तरीके से आ गए, यानी U1 है वो तो किसके बराबर हो गया, R के बराबर। दूसरा निर्देशांक U2 किसके बराबर है, थीटा के बराबर। और U3 है वो बराबर आ गया किसके, फाई के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से H1 पहला स्केल फैक्टर आ गया 1 के बराबर, दूसरा स्केल फैक्टर आ गया R के बराबर, तीसरा स्केल फैक्टर आ गया R साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, पहली बात, पहला यूनिट वैक्टर E1 कैप की जगह कितना लिख दें, ER कैप। E2 कैप आ गया कितना, E थीटा कैप। और E3 कैप आ गया इक्वल टू वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, E5 कैप। तीन किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट हम कैलकुलेट करते हैं, A1, A2 और A3। दैट मीन्स वैल्यू आ गई AR, वैल्यू आ गई A थीटा और वैल्यू आ गई A5। तो ये 12 कंपोनेंट जो 12 हमने पैरामीटर्स कैलकुलेट करें, इन 12 पैरामीटर से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी अदिश फलन की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात कर सकते हैं, इसी तरीके से किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसके फॉर्मूले हमने कैलकुलेट करे थे पहले। ये 12 पैरामीटर उन फॉर्मूलों में रखकर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले किस तरीके से थे, हमने कहा था ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू वैल्यू थी E1 कैप अपॉन H1, वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल U2 और प्लस वैल्यू आ गई E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन वैल्यू आ गई डेल U3। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ A क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल्स टू वैल्यू थी 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 और वैल्यू आ गई A3 H1 H2। ठीक है, और थर्ड फैक्टर था हमारे पास कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू वैल्यू थी 1 अपॉन H1 H2 H3, वैल्यू आ गई कितना, E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 A2 H2 और A3 H3। तो ये 12 पैरामीटर इन तीनों इक्वेशन में रख के हम अदिश फलन की प्रवणता निकाल सकते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं और सदिश क्षेत्र का कर्ल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।